का बात आते हैं अवर सन के बारे में तो आज के कार्यक्रम के बारे में सामने बैठे हुए हमारे आपको बताते नहीं चाहता हूँ बलदानी तो बाला का जी हमारे जो छत्तीसगढ़ के कलाकार है करीब 500 कलाकार को हमने बनाए हैं। आपने डॉक्टर उदय सैन जी है, उदय शंकर जी है, सामने बैठे हुए बहुत सारे लोग हमारे फिल्मों के काम किए हैं। हम चाहते हैं कि सत्यवेली फिल्म को आगे बढ़ाने की शुरुआत का डॉक्टर उदय सैन का उदय शंकर जी का बहुत अच्छा यानी अंतरराज उत्साह हमारा चुका है। हम उनका सम्मान कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। सुनील शंकर जी को बहुत आगे बढ़े हुए उनके स्टूडियो भी है और आप हमेशा सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। मैं भाई यानी नानी भाने जी नागपुर में रह करके यहाँ के छत्तीसगढ़ के बारे में सोच रहा है, यहाँ की संस्कृति को आप आगे बढ़ाने में काम कर रहा है। भूप माया के जो सिनेमा हॉल में लगे थे आनंद आए जिससे हमारा सब जगह देखना चाहिए कैसे नागपुर में रह करके बम्बई महाराष्ट्र में रह करके छत्तीसगढ़ी साहित्य संस्कृति का अपना प्रभाव जो है कैसे कैसे तरीके जानकारी दें। उम्र हमें सब देखना चाहिए, हम उम्र जाने जैसे फिर बनाए मैं तो बड़े साहित्यकार छत्तीसगढ़ी हिंदी के 40 गलत गावे 10,000 पेजों का और 40 की यात्रा कर चुका हूँ। तो अभी मैं दो फिल्म नए बनाने का प्रयास छत्तीसगढ़ी में और आत्मकथा है संतोष नासिकदास जी के जीवन पर आधारित, उनके दर्शन पर आधारित हमारे संस्कार है छत्तीसगढ़ में। उस संबंध में सतनाम सतनाम फिल्म हम प्रदर्शित कर चुके हैं, लगभग आधा छत्तीसगढ़ में हम यानी प्रदर्शित किए हैं। अभी भी यानी मेला में हम चलाने गिरौदपुरी मेला में चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ियों के आम मानव शाम को दर्शाने वाली फिल्म भी है जो छत्तीसगढ़ के जो महान संत है उसके बारे में हम यानी पूरे विश्वभर में उसको प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, गुरु जी का अमर संदेश को पहुँचाना चाहते हैं। तो आप लोग सतनाम सतनाम फिल्म जरूर देखिए, जहाँ भी लगी है यहाँ पर शाम तक एक सप्ताह तक लगी थी और बाकी यानी दूसरे शहरों में भी हमने माल वगैरह लगाए थे। तो जो यानी हम अपेक्षा करते थे उतना ज़्यादा तो हमको यानी होना चाहिए था, नहीं हो पाया। हमारे संग्रामियों की 40 लाख 48 लाख जनसंख्या है, यदि 1 लाख भी देखते तो पूरा हमारा फिल्म का यानी जो कास्ट है आ जाता है, परंतु उस प्रकार से कोई हमें नहीं हो पाया क्योंकि हमें आप लोग उसका प्रचार प्रसार ठीक से नहीं हो पाया है, इसलिए उसमें थोड़ा सा कमी हम लोग खुद ही हमें हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं हम लोग यानी उतना नहीं प्रयास कर रहे। परंतु तो जानी डायरा गुरु आनंददास जी जो बना रहे हैं फिल्म हम गुरु नासिकदास जी के दूसरे पुत्र है, उनके आम बाल साहब छत्तीसगढ़ियों की स्वाभिमान को लाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ियों की जो अंग्रेजों से लड़ने के लिए उसके शहीद की नारायण सिंह जी स्वतंत्रता संग्राम से लाइन पहले थे उनको दोनों भी दृष्टि है। हम स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित यानी हम यानी गुरु नासिकदास जी के जो गुरु बाबा गांधी है दोनों को मिलाकर के हम यहाँ एक फिल्म बना रहे हैं। तो आप लोग जरूर देखिए, कम से कम तो अभी दो महीने हमारा विवेक में काम चला है और उसके बाद ही यानी यहाँ उपाय का दो तीन महीना लगेगा हमको। अभी तो हम चाहेंगे कि बदलानी राजा गुरु बाला दास जी वो आप लोग जरूर देखिए। हमारे जो मैं अच्छे कलाकार हमारे जो वरिष्ठ कलाकार हैं उसमें सभी यानी बहुत अच्छा आप लोग रोल किए हैं और यहाँ के जो लोग कलाकार पंडित गीत है उसके 100 कलाकारों के द्वारा पद्मश्री यानी राधे श्याम राधे जी है उसके माध्यम से हम यहाँ पर गाने का प्रमाणन किए हैं। आपको एक से बढ़कर एक छत्तीसगढ़ी पंडित गीतों का हम यहाँ के वहाँ पर संयोजन किए हैं, आप लोग जरूर सुनिए। अभी हमारे सतनाम सतगुरु फिल्म में जो गाना है कभी गीत है जिसको हम 12 महीने में सुनाए थे उसके 15 लाख यानी सुनते हैं और 15 लाख से ज्यादा लोग मैंने देख चुके हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं जो रोजानी राजा को 12 गाने के 3 गाने दिए थे और जी
इस प्रकार से हमारा जो बलरानी राजा को महाराज करने का प्रचार प्रसार है जो बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। वहाँ हम चाहेंगे कि हमारे जो कलाकार साथी है वो सहयोग करें, हम सब आप लोगों का समीक्षा चीजों का हम सबको एक बड़े मंच पे ला के लोगों को बता दिया कितनी अच्छी चीजें जो है घरेलू उद्योग के माध्यम से बाहर में व्यावसायिक तौर पर उपयोग की जा सकती है। इसके लिए मैं कपिल जैन जी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो इसके अवसर पर आज जो है छत्तीसगढ़ी फिल्मी कलाकारों का और डायरेक्टर का और इस लोगों के सम्मान का कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है, तो वाकई में बहुत प्रशंसनीय बात है। छत्तीसगढ़ में रहेंगे, छत्तीसगढ़ की सबसे पहली फिल्म आई थी मिस्टर जैन, मिस्टर जैन कहीं देवी संदेश और छैया भूलिया सतीश जैन जी, तो उनकी फिल्म मैंने देखी थी। उसके बाद में समय समय पर छत्तीसगढ़ जितनी भी फिल्में आई मैंने देखी है, और टोला कहीं का उसमें मेरे स्कूल की जो स्टूडेंट है चिदाम्बरे शिखा, उसने भी रोल किया था। तो महाराष्ट्र मंडल का और छत्तीसगढ़ी फिल्मों का और छत्तीसगढ़ का संबंध बहुत पुराना है, हमारे यहाँ के कुछ कलाकारों ने इसमें भूमिका निभाई है। मैं बस प्रशंसा इसलिए करता हूँ क्योंकि हर कलाकार को प्रशंसा की जरूरत है, क्योंकि कलाकार कितनी भी अपना प्रतिभा रहे लेकिन देखने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। और मुझे तो ये महसूस होता है इतनी अच्छी अच्छी छत्तीसगढ़ फिल्में आ रही है, बहुत एक प्रेरित संदेश देते जा रही है, लेकिन हमारे की जो संख्या है वो बढ़ रही हुई है। इसलिए जहाँ से भी मैं आह्वान करता हूँ हर व्यक्ति ने सोचा कि कोई भी फिल्म आ रही है, मैंने अपने अपने ग्रुप में कम 50 लोगों से संवाद करें। व्हाट्सएप का जमाना है, इन व्हाट्सएप पर लोगों को समझ में नहीं आता जब तक हम लोगों को बात न करें, और जब बात करेंगे तो बात बन जाएगी, बात बनेगी, और बात नहीं करेंगे तो बातें बनती जाती है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, बहुत जब महाराष्ट्र के कलाकार आगे महाराष्ट्र के संस्थापक आगे छत्तीसगढ़ फिल्म बना रहे हैं तो बहुत अच्छा मैसेज हमको मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन फिल्मों को भी देखें। और मैं तो यहाँ से तालियां बजाकर कपिल जैन जी का स्वागत करना चाहता हूँ जिन्होंने एक ऐसा अवसर प्रदान किया और हमेशा महिलाओं के और निचले तबके के लोगों को प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी माननीय को विराम देता हूँ, फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद सर। लेकिन उम्मीद है कि इस बार सरकार बदली है,
कुछ ना कुछ लोग कल्याणी कार्यक्रम जो हमने और उद्देश्य दिए हैं उनमें कुछ ना कुछ पूर्ति होगी, कुछ मांगे मानी जाएंगी। दूसरा बहुत ही चुनिंदा जो कलाकार हमारे उनको हमने सम्मान करने के लिए आज आमंत्रित किया है, सामने वासना वैष्णव जी बैठी है। मुझे याद आ रहा है कि 20 साल पहले मैंने उनके साथ एक टेलीफिल्म आर्डी की थी जो कन्याकुमारी हत्या पर आधारित थी। शायद उपासना जी के पास समय नहीं है टीवी देखने का, लेकिन आज भी महीने में 3-4 बार दिल्ली दूरदर्शन से ये फिल्म प्रसारित होती है और बहुत इसमें पूरे देश में जो है ना एक ना बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया है। आपने मेरे साथ परिवर्तन सीरियल में भी काम किया है, तारा साहब जी ने भी किया है। जब किसान बनी थी दूरदर्शन की तो पहला सीरियल जो प्रसारित हुआ रायपुर दूरदर्शन से वो परिवर्तन था, जो स्वच्छ भारत अभियान पर आधारित था। हमारे छत्तीसगढ़ के लड़की शादी होकर गई तो मंडप से भाग के आ गई थी क्योंकि उसको वाशरूम जाना था। हम लोगों ने कहा कि हमें जाओ, यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। वो मंडप से होकर भाग कर आई थी। वही गाना गाने मैंने बुना था, मूल कथानक और उसका निर्देशन मैंने किया था। उस समय मुझे पूरे अधिकार दिए गए थे कि आप बजट अनलिमिटेड आप चाहें तो कहीं से भी बॉलीवुड से भोजपुरी का कलाकार बुला सकते हैं, लेकिन मैंने एक शर्त रखी थी, मैं कोई भी कलाकार बाहर से नहीं बुलाऊंगा, सारे कलाकार हमारे ही छत्तीसगढ़ के होंगे। मैं अपने लोगों को तराशूंगा, अपने लोगों को आगे बढ़ाऊंगा, बाहर से मैं किसी कलाकार को नहीं बुलाऊंगा। और ये स्वच्छ भारत अभियान का आगाज किया इसने पूरे छत्तीसगढ़ में और हर चैनल पर बार बार प्रसारित हुआ और विदेशों में ये सीरियल प्रसारित हुआ। खान साहब बैठे हैं, मेरा उनसे परिचय तो नहीं है और चलिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन आपको पहली बार ऐसा देखा तो कुछ यूँ लगा कि मन कुरैशी जी आज कैसे दिखाई दे रहे हैं, तबीयत ठीक है कि नहीं। फिर पता चला नहीं, आप मन कुरैशी नहीं है, लेकिन भविष्य आपका इन्होंने थोड़ा सा उज्ज्वल लग रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में। और हमारे बीच में जयंत त्रिपाठी जी बैठी है, सॉरी मीरा त्रिपाठी, सिर्फ भगवान वाली मीरा जी बहुत अच्छे भजन करती हैं। आपका सम्मान करता हूँ, आपको मैं एक पहचान देता हूँ। हवाई कोई है और चमत्कारी महिला जो आपके धंध जिला अध्यक्षा है, आपका भी सम्मान करता हूँ, आपको रिकॉग्नाइज करता हूँ। प्रीति मल्होत्रा इंटरनेशनल मॉडल है, संतोष वर्मा जी हैं और बहुत सारे कलाकार बैठे हैं, सबको का अध्यक्ष होने के नाते मैं पहले दिन से मुबारकबाद देता हूँ कि आपका सम्मान होने जा रहा है और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब दो बातें छोटी सी फिल्मों की और कर लेता हूँ। बहुत ही चुनिंदा फिल्मों मैंने काम किया, कोई छत्तीसगढ़ी फिल्मों की दिशा और दशा कैसी है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जिसके पास भी थोड़ा सा आर्थिक अर्थव्यवस्था हो जाती है तो हीरो बन के फिल्में बनाने लगता है, लेकिन बताऊं कि मैंने 7 चुनिंदा फिल्मों में काम किया। एक पहली फिल्म थी बालक दास, ये आपने तो बनाई थे बलिदानी गुरु बालक दास सर ने, इसमें मुझे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी। और दूसरी फिल्म मैंने की वो थी आपकी भूया, जिसने 5 करोड़ का कारोबार किया, सुपर हिट हुई, उससे भी बड़ा कारोबार जिसमें मैंने काम किया मेरे द्वारा रिलीज फिल्म थी सकी जहाँ सकी ले शुरू होते माया कहानी। जब 2 फिल्में रिलीज हुई और करोड़ों में खेल गई तो मुझे लगता है कि ये फिल्म सफलता के बहुत बड़े बड़े इतिहास बनाएगी। सोनी जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और ओम भाई बैठे बहुत ही खूबसूरत हीरो हैं। जब आए थे अंबिकापुर से तब हम छोटी छोटी फिल्में बनाया करते थे और हमने पहली फिल्मों में इनको हीरो का रोल दिया और तभी समझ में आ गया था कि इनका भविष्य बहुत अच्छा है और आगे सुपर स्टार की कैटेगरी में आ गए हैं। बहुत दिल खुश होता है कि हमारे परिवार के खूबसूरत हीरो अब लॉन्च हो चुका है, न सिर्फ हॉलीवुड में बल्कि बॉलीवुड में और आने वाले दिनों में हॉलीवुड की आप जान मेरी शुभकामनाएं। अब मैं अपनी बुक के बारे में बोलना चाह रहा हूँ, बस अंतिम पैंडअप कर रहा हूँ। बड़ी खुशी होती है जो छत्तीसगढ़ में आकर नागपुर से पांडे सर और इतनी सारी फिल्म बनाते हैं। माया की भूख आप तब लॉन्च करने जा रहे हैं जब नारी सशक्तिकरण दिवस 8 मार्च को आ रहा है। हमेशा एक ही बात मेरे मन में आती है कि रानी नानी चाची बुआ बहन पत्नी हर रूप में हमको महिला की आवश्यकता होती है, बिना महिला के हम अपूर्ण हैं। तो नारी सशक्तिकरण दिवस सिर्फ एक दिन क्यों मनाया जाता है? नारी सशक्त हुई है, संविधान में हुई है, कानून में हुई है, समाचार पत्रों में पत्रिकाओं में हुई है, लेकिन क्या वास्तव में फिजिकली उतनी सशक्त हुई है? ये एक विचार करने का विषय है।
और मुझे पूरी उम्मीद है कि समता समता और ममता की मूर्त जो नारी है उसका समाज में क्या स्थान होना चाहिए और उसको सही दिशा देने के लिए ये जो फिल्म आ रही है बहुत अच्छा काम करेगी। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आने वाली फिल्म नारी सशक्त बनाए और इस दिशा में बहुत अच्छा काम करें। मेरी शुभकामनाएं, थैंक यू। और उस जो टाटा भक्ति आज विराट कुमार ने अब तक उसको 70 लाख से ऊपर लोग ने उसको मिल चुके हैं और 2007 के हम लोग जो समाज की उसको दिखाते हैं ताकि समाज में एक हवा एक बात होता है।